अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको इंस्टेंट ऑरेंज जूस बनाना सिखाएंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश और झटपट बनकर के तैयार होता है। तो चलें इस इंस्टेंट से ऑरेंज जूस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ चार ऑरेंजेस लिए हैं किन्नू, नॉर्मल साइज़ के, दरमियाने साइज़ के, आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक ले लीजिएगा, छोटे बड़े, लेकिन अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा। मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया। अब हमने करना क्या है, इसको छील लेना है। इस तरह से हमने इसको छील लेना है। सारे किन्नुओं को हमने इस तरह से छिलका उतार लेना है। देखिए मैंने सारे किन्नुओं को छील लिया। इस तरह से हमने ये, चाहे तो आप स्लाइसेस अलग कर ले, इनको हमने ब्लेंड कर लेना है। तो जैसे मर्जी, चाहे आप अलग भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सारा छील लिया। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे, 4 खाने के चम्मच चीनी शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा, कम या ज़्यादा। हमने इसको हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आपके पास कोई भी पेपर ब्लेंडर हो उसमें आप कर लें। तो देखें मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आपके पास जग हो, कोई भी इस तरह का बॉल हो उसमें कर सकते हैं। अगर आपके पास जूसर ब्लेंडर है तो जूसर ब्लेंडर के जग में डालकर कर सकते हैं। मैं अक्सर इसी से करता हूँ, मेरे पास अभी जूसर ब्लेंडर भी नहीं है। और मार्केट में नॉर्मली जो है इस तरह के ऑरेंजेस जूस निकालने के जग होते हैं जो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में होते हैं, चीप प्राइस में होते हैं, प्लास्टिक के। तो उससे भी आप इसकी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ही कुछ भी नहीं है, वो बाज़ार में आपको 150 या 200 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। तो देखिए मैंने इसका अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया, इसका जूस बना लिया है। अब मैं सारे ऑरेंज जूस को ब्लेंडर में, सॉरी, इसे छान लूँगा एक जग में बारीक छन्नी से। बारीक छन्नी लीजिएगा। देखिए सारा जूस मैं इस तरह की बारीक छन्नी की मदद से छान लूँगा। अच्छे से हम इसका जूस निकाल लेंगे। बारीक छन्नी आपके पास बड़ी है तो उसमें भी कर सकते हैं। मैं सारा जूस इसी तरह से छान लूँगा। वो छन्नी छोटी थी चाय वाली, तो उससे ठीक से नहीं छन रहा था, तो मैंने ये बड़ी छन्नी ले ली। तो थोड़े से बड़े इसके जाली की थोड़ी बड़ी हो इसका, ज़्यादा छोटे होंगे तो ये सही से जूस निकल नहीं पाएगा। इस तरह से मैं सारा छान लूँगा इसको। देखिए हमारा ये ऑरेंज जूस रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बन करके तैयार हुआ है। मीठा आप चेक कर लीजिएगा इस स्टेज पर, कम हो तो और चीनी शामिल कर लीजिएगा। मुझे कम लग रही थी तो मैंने 2 टेबल स्पून चीनी इसमें और शामिल की है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये कितना ज़बरदस्त बनकर के तैयार हुआ है, बिल्कुल मार्केट के जैसा, बल्कि मार्केट से अच्छा। जो हम मार्केट वाले डब्बे वाले जूस पैक पीते हैं, टेट्रा पैक वाले, नेस्ले के, ये उसकी तरह है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है। वो तो प्रिजर्वेटिव होता है उसमें, और ये बिना प्रिजर्वेटिव है, नेचुरल है, क्योंकि हमें पता है कि हमने इसको नेचुरली बनाया है। ये देखें इसका टेक्सचर और इसका कलर देखें, ये ओरिजिनल कलर है, मैंने कोई फूड कलर इसमें यूज़ नहीं किया। अब मैं इसे सर्व करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया था, तो आप चाहे तो इसे बिना पानी के भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, पिया नहीं जाता, बहुत ज़्यादा ठीक होता है। तो इसमें पानी आप ज़रूर ऐड करें। देखिए पानी ऐड करने के बाद भी कितना गाढ़ा है। तो मैं इसे गिलास में निकालूंगा। इस रेसिपी से आप 2 गिलास बना करके तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बिना प्रिजर्वेटिव के बन करके तैयार होता है, नेचुरल बिल्कुल। ऑरेंज जूस रेडी है, मैंने 2 गिलास में निकाल लिया है। आप चाहें तो इसमें काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, लेकिन मैं 1 गिलास में काला नमक 1 टीस्पून जितना ऐड कर रहा हूँ, और 1 गिलास में सिंपल रखूँगा। और आपको ट्राई भी करके बताऊँगा कि ये दोनों का फ्लेवर कैसा है, ज़्यादा अच्छा कौन सा है। ये चटपटा कहलाता है और ये वाला सिंपल खट्टा मीठा है। ले लीजिए हमारा ज़बरदस्त सा नेचुरल फ्रेश ऑरेंज जूस बन करके तैयार है। आप देखें बिल्कुल मार्केट जैसा, बाज़ार वाला जैसे कि हम पीते हैं, बल्कि उससे ज़बरदस्त बन करके तैयार हुआ है। आप इसे बनाएं, ऑरेंज जूस का सीज़न है, और इसे बनाकर मेहमानों को पेश करें, मेहमानों को सर्व करें। और आप इसे बनाकर फ्रिज में 2 से 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। आपने फ्रिज में रखना है बनाकर, फिर आपने जब बनाना हो दोबारा से फ्रेश बना लिया, तो इंशाल्लाह मैं
दोबारा ऑरेंज जूस आपको बनाना सिखाऊंगा, जो कि आप महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो आप रमज़ान में बनाकर रमज़ान के लिए सेव कर लीजिएगा। ये देखिए, अब मैं इसको टेस्ट भी करके बता दूँ कि फ्लेवर किसका ज़्यादा अच्छा है और किसका नहीं है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, दोनों के फ्लेवर ज़बरदस्त है। ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है। ये ना काले नमक का टेस्ट, ये भी ज़बरदस्त है। और ये वाला चीनी वाला खट्टा मीठा, दोनों का फ्लेवर अपनी जगह बैलेंस है, अपनी जगह ज़बरदस्त है। ये वाला ऐसा फ्लेवर जैसे हम लोकल मार्केट से ऑरेंज जूस, जो ऑरेंज जूस पीते हैं, ये सब उसी तरह का फ्लेवर है। वो काले नमक डाल कर देते हैं जिससे कि एक फ्लेवर इनहेंस हो जाता है, जायका बढ़ जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त बना है और ये एकदम से फ्रेश कर देता है। और इसमें विटामिन सी की मकदार ज़्यादा है, जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो किन्नू के स्लाइसिस काट कर इस तरह से गिलास में लगा दें, ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। मेहमानों को बना कर दें, घर वालों को बना कर दें, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इससे बता चुका हूँ मैं आपको कि इस रेसिपी से 2 गिलास बन करके तैयार हुए हैं, जिसमें मैंने 1 गिलास पानी भी शामिल करा है इसे डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि ये नेचुरल तो पिया नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो पानी आपने लाजमी ऐड करना है। आप चाहे तो इसे फ्रिज में रख कर ठंडा कर सकते हैं या आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ठंडा मौसम है, ये वैसे ही इतना ठंडा होता है। तो इसी तरह से इसे पिए, बनाएं, घर वालों को बना कर दें, मेहमानों को बना कर दें, वो आपकी तारीफ़ करेंगे। यकीन माने ये बहुत ज़बरदस्त बन करके तैयार हुआ है। और ऑरेंज टैंग जो बाज़ार में मिलता है, उससे भी सस्ता ये घर में बनकर के तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी क्या करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।